आज यानी गुरुवार को राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण ने दिवाली पर आतंकी हमले का अलर्ट जारी किया है। ऐसा कहा जा रहा है कि 4 संदिग्ध आतंकियों को उत्तर प्रदेश की गोरखपुर में देखा गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इन 4 संदिग्धों में से एक को पुलिस ने आतंकी होने के शक में गिरफ्तार भी कर लिया है। नेपाल सीमा पर SSB और UP पुलिस के जवान सघन तलाशी अभियान चला रहे हैं। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक आतंकी नेपाल के रास्ते भारत में घुसे थे और आज यानी कि 17 अक्टूबर को दिल्ली में जमा होंगे। सामने आ रही जानकारी के मुताबिक ये सभी आतंकी शिफ्ट डिजायर कार में सवार है। ऐसा कहा जा रहा है कि कुछ संदिग्ध कश्मीर से दिल्ली पहुंचेंगे। इसके कारण दिल्ली और यूपी सहित कई प्रदेशों में सुरक्षा बल विशेष सावधानी बरत रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि आतंकियों के हुलिये भी सुरक्षा एजेंसियों के पास है, जिसके आधार पर एजेंसियां इनकी धरपकड़ में जुट गई हैं। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।